राजकुमार विश्वास भले ही राजनीति से संन्यास ले चुके हों, मगर वो इसको लेकर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। कुमार विश्वास मध्य प्रदेश के उज्जैन में रामकथा सुना रहे थे। इसी दौरान बातों ही बातों में उन्होंने संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ करार दे दिया। ये वाक्य उस दौरान हुआ जब विक्रमोत्सव में आए कुमार विश्वास रामकथा कह रहे थे। इस दौरान वहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने संघ को अनपढ़ कहा, कार्यक्रम स्थल पर तालियां बजी। अब ये वीडियो काफी चर्चाओं पर बना हुआ है। वहीं अब कुमार विश्वास को कांग्रेस का साथ मिलने लगा है। कुमार विश्वास के वाचन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हासिब ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की मदद कर लोगों को बांटने का काम करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ऐसे कौन से फैसले या काम आरएसएस ने नहीं किए जो अनपढ़ नहीं हो। कुमार विश्वास एक साहित्यकार, इतिहास के जानकार है। उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया है। कुमार विश्वास जी साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं, इस देश के एक मशहूर कवि हैं, अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, इतिहास पे जिनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो आरएसएस को अनपढ़ कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है। आरएसएस साबित करे कि वो अनपढ़ नहीं है, और आरएसएस को लेकर कौन सा ऐसा फैसला आरएसएस का जिससे ये कहा जाए कि वो पढ़े लिखे हैं, जो लोगों को बांट कर राजनीति करवाने के लिए बीजेपी की सहायता करें, जो लोगों के अंदर भेदभाव करें, जो इस तरह के प्रयास जिनकी अनेकों अनेक दिखते हों, तो उनको आप पढ़ा लिखा वैसे भी नहीं कह सकते। कुमार के बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आने लगी है, जहां बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कुमार विश्वास के बयान पर कहा कि संघ के बारे में बोलने से पहले कुमार को संघ के बारे में और संघ के स्वयं सेवकों समेत संघ के पदाधिकारियों को समझना पड़ेगा। मंच पर बैठकर आप श्री राम कथा कर रहे हैं, ना कि कोई कवि सम्मेलन पे चुटकी ले रहे हैं। कुमार विश्वास भी मर्यादा का पालन कर, और हम भी मर्यादा का पालन करते हैं। जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए कोई भी बात बोलनी चाहिए। मुझे लगता है अभी तो समाचार ये मिला है कि उन्होंने माफी मांग ली है। बहुत जल्दी उनको ध्यान में आ गया कि संघ के बारे में बोलने से पहले संघ को समझना पड़ेगा, संघ के स्वयंसेवकों को समझना पड़ेगा, संघ के अधिकारियों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप बात करते हो तो भाई आप भूल गए कि आप व्यासपीठ पर बैठ करके श्री राम कथा कर रहे हैं, न कि आप कवि सम्मेलन में कहीं चुटकियां ले रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हम भी अपनी मर्यादा का पालन करें, और इस मर्यादा का पालन हर एक को करना चाहिए, और आपको जो ख्याति मिली है निश्चित रूप से आपको जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शब्द बोलना चाहिए। वहीं इस पूरे वाक्य के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुमार विश्वास ने अपने इस विवादित बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए। कुमार विश्वास ने कहा, अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वहीं अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरे कार्यालय में काम करने वाली एक बालिका को लेकर मैंने ये बात कही थी। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही, और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर पहुंचे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं, और अपने राजनीतिक बयानों को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान से राजनीतिक घमासान मच गया है। जहां एक ओर कांग्रेस उनके पक्ष में दिख रही है, तो वहीं बीजेपी उनके इस बयान का विरोध करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।